द बेड ऑफ कैपिलरीज इन द वर्ट्रेट किडनी वेयर वाटर यूरिया एंड साल्ट आर फिल्टरेट आउट ऑफ द ब्लड ठीक है तो कैपिलरीज कौन सी चलती है जो बेड ऑफ कैपिलरीज क्या लाती है एक सो है आपका एफ्रेंट ये ईफ्रेंट आर्टिंग ठीक है और ये क्या बनाते हैं एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस ठीक है glomerulus, इसके नीचे है आपका ये वुमेन्स कैप्सूल तो ये क्या है आपकी ये है आपका एफ्रेंट आर्ट्रियोल एफरेंट आर्ट्रिल जो ब्लड को लेकर आ रही है आर्ट्रोल और यह है आपका ईफ्रेंट आर्ट्रोल दोनों का डायमीटर चेंज होता है एफरेंट का ज्यादा होता है और ईफ्रेंट का कम होता है एफ्रेंट ब्लड लेकर आ रही है रीनल आर्ट्री से रीनल आर्ट्री से आ रहा है यहाँ पे ब्लड और एफरेंट आर्टल और एक कैपिलरीज का स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस तो यहाँ पूछा है कि द बेड ऑफ कैपिलरीज इन द वर्ट्रीवेट किडनी वेयर वाटर यूरिया एंड साल्ट आर फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड तो क्या क्या स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पे ग्लोमेरुलस इसका आंसर है ग्लोमेरुलस सी